अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुखाल्स। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे शादियों वाला स्पेशल चिकन अंगारा को लेकर, एंड सो वॉज आई वॉज सो एक्साइटेड टू शो यू दिस मेकिंग। इसे केटर किया था राजधानी केटर्स ने। बहुत ईजी मेकिंग है, बट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। मैं आपको 1 किलो के हिसाब से बता रही हूँ चिकन अंगारा। बट अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। ओके, सो ये है ओनियन और टमाटो, ठीक है। बट इसका रेशियो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपने ओनियन लिया है 5 बड़े साइज का और टमाटो लिया है आपने 2 मीडियम साइज का। इसे बॉईल करके आपको इसका ग्रेवी बनाना है, पेस्ट बनाना है, ठीक है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बहुत ही कम पानी डाल के इसे ग्राइंड करना है। 1/4 कप इसमें आपको ऑयल डाल देना है, 3 से 4 इलायची, 1/2 टीस्पून होल गरम मसाला, 2 तेज पत्ता मिला के इसे अच्छे से आपको भून लेना है ताकि सब फ्लेवर्स इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए। आपको डालना है 1 टीस्पून फुल इसमें लहसुन का पेस्ट। हर एक चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, सो डोंट वरी। जब लहसुन का पूरा रॉ स्मेल चले जाए तो अब डालना है हल्दी, 1/2 टीस्पून हल्दी। इस स्टेज पे इसलिए डालते हैं बिकॉज हल्दी का कलर भी आता है और हल्दी भूनने में टाइम लगता है। ये है काजू का पेस्ट, ठीक है। तो काजू का पेस्ट आपको लेना है 1/4 कप। रिमेंबर वन थिंग, आपको ये सब चीज़ स्लो गैस पे करना है, फास्ट या मीडियम हाई पे नहीं। 1 टीस्पून इसमें गया है गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट, अदरक का पेस्ट। ये है नमक। अब आपको इसे भूनते रहना है, हमेशा हैवी पैन का यूज़ करें। कोई भी जब आप काजू का ग्रेवी डालते हैं तो वो नीचे चिटकने के चांसेस 99% रहता है। कंटिन्यूस आपको चलाते रहना है। जब ये टेक्सचर आपका हो जाए ग्रेवी का, उसके बाद आपको डालना है टमाटो और ओनियन का पेस्ट जो हमने पहले ग्राइंड किया था, बॉईल किया हुआ। टमाटो का क्वांटिटी हमेशा बहुत कम रहेगा, जैसे 80% ओनियन रहेगा तो 20% टमाटो रहेगा। यही रेशियो है 1 किलो के हिसाब से चिकन अंगारा का। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से बनाएं, ठीक है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिली पाउडर, ठीक है। 1 टीस्पून फुल इसके अंदर चिली पाउडर जाएगा, उसको आपको भूनना है। हर मसाला एक साथ नहीं डालना है, एक एक डाल के भूनते रहना है। ये गया धनिया पाउडर जो है 1 टीस्पून फुल भर के, ठीक है। उसको अच्छे से मिलाते रहना है। जब आप चिकन अंगारा बनाओ तो एक ही चीज़ बनाओ, दूसरे गैस पे दूसरा कुछ बनाने मत लगो, बिकॉज इसको आपको 100% अनअटेंडेंट नहीं छोड़ना है। ये गया आपका तंदूरी मसाला पाउडर जो है 1 टीस्पून फुल भर के। यू कैन यूज़ एवरेस्ट या फिर कोई भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको चलाते रहना है। इसके अंदर गया देगी मिर्च का पाउडर जो है 1 टीस्पून फुल भर के। जिस तरीके से आपने देखा है स्क्रीन पे, अगर आप उसी तरीके से उसी क्वांटिटी के हिसाब से बनाओगे तो शादियों वाला आप सिर्फ शादी में नहीं घर पे भी खा सकते हो। ओके, ये है टमाटो सॉस 1 टीस्पून। दिस इज़ डेडिकेटेड टू माय सब्सक्राइबर मिस्टर राहिद और वर्सोवास किचन और 2-3 लोग हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँगी, इनके लिए है ये, ठीक है। 1 टीस्पून इसमें गया रेड चिली सॉस। ये है गरम मसाला, 1 टीस्पून से थोड़ा कम लेना है अगर फ्रेश होममेड गरम मसाला है, अगर रेगुलर बाहर का है तो 1 टीस्पून ले लीजिए। सो गाइस, आपके कमेंट्स देख के आई फील सो गुड, इरफान आल्सो फील सो गुड। सो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेकिंग कैसी लगी। कलर है तो कलर आप 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं बॉश का अगर यूज़ करते हैं। मैं तो हमेशा बोलूँगी कि डोंट यूज़ आर्टिफिशियल कलर्स एट योर होम, बट दिस इज़ लाइक केटरिंग स्टाइल, सो यहाँ पे यूज़ होता ही है। अब आपको चिकन फ्राई करना है, तो चिकन है, कलर है, सॉल्ट है और इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। इसे मिला के आपको इसे डीप फ्राई कर लेना है 100%, ठीक है। 80-90% नहीं, 100% कुक कर लेना है। आप इसे बारबेक्यू कर सकते हैं या फिर ओवन में बेक कर सकते हैं या जो यूज़ करना, फ्राई भी कर सकते हैं। ये आप कोई भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप जब फ्राई कर लो उसके बाद इसे ग्रेवी में डालना है। इसका 2 प्रोसेस है, एक पहले हमने ग्रेवी बनाया है और अलग से चिकन बनाया है। सब इंग्रेडिएंट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, सो ये है कोयला, तो कोयले का आप स्मोक दे दीजिए इसके अंदर। तो यहाँ पे ये डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 2 चीज़ में बनेगा इसलिए। तो चिकन ग्रेवी जो बनाया है वो मिक्स कर लीजिए और पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट मेक श्योर करें ये सेमी थिक ग्रेवी होती है,
थिन ग्रेवी नहीं होती है ये, जैसे चिकन का सालन जिसे हम बोलते हैं वो वैसा नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा ही पानी डालना है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं बासमती राइस के साथ, शीरमाल के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ, रोटियों के साथ। सो इसे गार्निश किया है कोरिएंडर से, और ये है हाफ टी स्पून कुटा भुना धनिया, ठीक है, ग्रेवी में डालना है आपको, और इसे बटर का तड़का दे देना है। मिलती हूँ नेक्स्ट मेकिंग के साथ, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।